गाइज वेलकम टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, ये देख सकते हो, ये मंदिर से। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मंदिर में डेकोरेशन वगैरह सब कुछ सुबह कर लिया था। मतलब आज मैं 7:30-8 बजे करीब उठ गई थी। यूजली मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह सुबह, कहीं जाना तो उठ जाते बट ऐसे नहीं उठ पाती हूँ। तो नाक सुर लग रही होगी ना आप लोगों को, तो थोड़ी सी आजकल मुझे ऐसे ही रह रहा है। मैं उठ गई थी सुबह, उठने के बाद से नहाया धोया, मतलब सारा कुछ प्रिपरेशन वगैरह करने में बहुत टाइम चला जाता है और मंदिर की सफाई वगैरह करने में भी टाइम चला जाता है। तो वाइट मंदिर होता है ना, तो बहुत जल्दी गंदा होता है, तो है ये चीज़ें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ खास वैसा नहीं किया है, मतलब हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंट रहते हैं भगवान जी के, हमेशा थोड़ा बहुत ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ही कर देती हूँ, एक जैसा नहीं करती, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि हल्का फुल्का चेंज करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ही लगता है। और बस दिखाती हूँ आप लोग को कैसा मैंने थोड़ा बहुत अपना मंदिर सजाया। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा करने के बाद में, तो इसलिए ये देख सकती है ये सब जल चुका है यहाँ पे, कपूर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने दिया जलाया हुआ है। और वैसे मैं क्या करती हूँ ना, इसके बीच में भी पहले रखती थी ऐसे कलश, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा ही पड़ जाता है, मैं बाहर का स्पेस नहीं यूज़ करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सजा दिया था। और ये आज पानी इसलिए ज़्यादा डालते हैं ना ताकि अच्छे से, उसके बाद एक दो दिन तक थोड़ा कम पानी डालेंगे जिससे कि ज्वार जो होती है ना अच्छे से खिलती है। और ये मैंने यहाँ पे कलश रखा अपना, देख सकते हैं स्पेस इतना ही है मेरे पास, तो मैंने सोचा कहाँ अलग से ये सब सजा हो जाऊँ, तो इससे अच्छा मैंने यहीं पे ही अपना सजा के रख दिया है। यहाँ पे कान्हा जी मेरे हैं, यहाँ पे भगवान जी लोग हैं, ये कलश, ये सब, ये पान का पत्ता, ये माता का भोग के लिए थाली और उनके ग्लास, थाली मतलब छोटी सी कटोरी रखी है बस ऐसे ही। और ये मेरे चांदी के थोड़े काले पड़ जाते हैं बार बार, इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि इनको चमकाऊं बैठ के यहाँ पे। और माता रानी देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी हैं। और ये सो पूजा करने के काफ़ी टाइम के बाद से नितिन उठ गए थे, तो उठे थे 11:30 बजे करीब उठ गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमारे लिए जूस बना दो, क्योंकि आजकल हमारे घर पे जूसर आके रखा हुआ है, तो आजकल नए नए शौक चढ़ते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग जूस ट्राई करते रहते हैं। तो ये जूसर बहुत अच्छा है, इसकी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, जल्दी अपलोड करूँगी यार। आधी वीडियो मैंने कम्प्लीट कर लिया था, आधी मैंने नहीं करी थी, इसलिए मैंने इसको अपलोड ही नहीं किया था। और जूस हम हर दिन बना के पीते ही चले जा रहे हैं बट वीडियोज़ कम्प्लीट नहीं हो पा रही हमारी। तो यहाँ पे आज जूस जो बन रहा है ना वो है ABC जूस, और इसमें पड़ा है एप्पल, बीटरूट और कैरेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के होता है। तो इससे बहुत मतलब ये हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छा ये जूस माना जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने 2 एप्पल लिया था, 2 गाजर लिए थे और 1 मैंने बीटरूट लिया था, ये तीनों को मिला के मैंने मिक्स किया था, तो 1 ग्लास जूस पूरा बन के रेडी हो गया था। सो ये वाला जूस तो मैंने नितिन को दे दिया था, उसके 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर टिक्की बनाने चली आई, तो खुद के लिए मैंने एप्पल जूस और उसमें मैंने कैरेट डाल के बना लिया था। तो बस उसी 2 का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था, मैंने अपने लिए बीटरूट नहीं डाला था। तो यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद मैं टिक्की बनाने चली आई थी, क्योंकि जो मेरी खाना बनाती हैं वो दीदी पूरी बना के चली गई थी, मैंने सोचा था आलू बॉयल रखा है तो उसकी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, ग्रीन वाली जो सब्ज़ी होती है व्रत वाली, तो वो उसकी भी रेसिपी मैं इसमें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज पूरे वीडियो में ना आप लोगों को सिर्फ खाने खाने की चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैं टिक्की बना रही हूँ, तो टिक्की काफ़ी टाइम के बाद ये वाला खाने को मिला है। तो ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग टिक्की ऑल टाइम बनाते हैं जो है ना वो तेल में बना लेते हैं और स्पाइसी कर देते हैं, तो वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो व्रत के टाइम का होता है। वही तो दे रही, तो बना रही। अरे यार सब्जी बोल रहा हूँ, ये तुम खा तो लो, चाय तो बना दूँ।
माता आ रही है रात में, घोड़े पे सवार होके आ रही है माता, समझे। अरे यार भाई, सो गाइस हमारे यहाँ बन गया है आलू टिक्की। आलू में मैंने डाला था आलू बॉईल करके, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो घर का बना हुआ था प्योर, वो सारा कुछ डाल के मैंने बनाया है। तो टिक्की बहुत यम्मी बनी, यम्मी। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, फिर मैं बनाऊंगी व्रत वाली सब्जी, जिससे कि नितिन के लिए पूरी ऑलरेडी सीख चुका है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये नितिन के लिए पूरी सीख चुका है, जो हमारे काम करने वाली दीदी ने बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी टिक्की बन गई थी। तो सबसे पहले मैंने नितिन को दे दिया था खाने के लिए, उसके बाद मतलब गरम गरम टिक्की खाने में अच्छा लगता है, तो पहले नितिन को दे दिया। तो पूछा भी था कि सॉल्ट वगैरह है, दही वगैरह है, तो मिक्स करके चाट जैसा बना दो। पर नितिन को था कि स्पाइसी ऐसे ही खाना है, तो इसलिए हमने चटनी भी नहीं बनाई थी, ऑलरेडी स्पाइसी था वो। तो यहाँ पर मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ, और उसके बाद बैठ के थोड़ी देर बातें बातें करी, और ये अपना टीवी देख रहे थे, कुछ अपना ऑफिस का काम भी स्टार्ट करा था इनको, तो बस थोड़ी देर बैठ के हम इधर उधर अपना टाइम पास किए हैं। और सुबह में क्या होता है ना कि अगर आप जल्दी उठ जाना तो ऐसे लगता है पूरा दिन आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए है। और मतलब हम लोग की आदत क्या होती है ना, थोड़ा लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो इस वजह से ना हम लोग को टाइमिंग पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं उस दिन लगता है पूरा दिन, भाई सब कितनी ज़्यादा मतलब कितना बड़ा दिन हो रहा है। और यहाँ पर टिक्की खाने के बाद से मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, और दीदी ने जो मतलब पूरी सेक के गई थी तो सब्जी वगैरह कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अनार ही छिलवा के रख लेते हैं, मर्जी होगी तो जूस बना के पी लेंगे। तो यहाँ पे दो अनार उन्होंने छील लिया था, तो उसका मैं जूस बना रही थी खुद के लिए, क्योंकि चाय से बेटर तो यही था अभी फ़िलहाल। तो बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन खाते पीते ही निकल गया है। जूस बन के रेडी हो गया हमारा, नहीं अनार का जूस। सो गाइस, आलू की सब्जी मैंने खा लिया है, बहुत ही अच्छी बनी थी, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है ये अनार का जूस, तो थोड़ा सा कम निकला क्योंकि जो मैं अनार लेके आई थी ना वो कच्चा सा था, मतलब जो रेड एकदम प्रॉपर रेड होता है ना, तो उसमें क्या होता है दो तीन में आपका इतना तो निकल ही जाता आराम से। और ये देखो सिर्फ दो अनार मेथी सा निकला है, बाकी तो झाग गया ना ये। और बिल्कुल भी पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि आप पानी डालो ना डालो बराबर ही है, वो कुछ एक्स्ट्रा निकलता नहीं है, जितना निकालना होता है फर्स्ट टाइम में ही निकाल देता है, तो आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पी लेते हैं इसको, मस्त। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरी आँखें अब फूट रही हैं, देख सकते हो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है आँखों में। अब मैं सोने जा रही हूँ, तो इस वीडियो के एंड कर देते। आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माता दी बोल देना, या फिर कुछ भी एक प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।